बच्चों आज हम पढ़ेंगे दक्कन में उर्दू शायरी का आगाज और इर्तका। बच्चों हम जानते हैं कि उर्दू शायरी या उर्दू जबान ने अपनी पैदाइश दक्कन की बजाय यहां से के कोसों दूर उर्दू जबान की पैदाइश तो शिमाली हिंद में हुई, लेकिन इसने अपनी परवरिश कहां पाई, यहां से बहुत दूर दक्कन में। ये जबान हिंदुस्तान में मुसलमान बादशाहों के कयाम से आई। जब मुसलमान बादशाहों ने हिंदुस्तान के शिमाली हिस्से में पूरी तरह से कब्जा जमा लिया तो ये अपने साथ एक नया रंग या एक नई जबान और तहजीब लेकर आए, जिसके इम्तिजाज से हिंदुस्तान में एक नई जबान पैदा हुई। यानी कि हिंदुस्तान में मुसलमान अपनी जबान लेकर आए और हिंदुस्तान की मकामी जबान का जब आपस में मेल मिलाप हुआ तो एक नई जबान पैदा हुई हिंदुस्तान में। इस जबान ने, उर्दू जबान ने शिमाली हिंद में पैदाइश पाई, लेकिन यहाँ से ये बहुत दूर चली जाती है दक्कन, जहां पर इसने अपनी परवरिश पाई। कहां पर पाई? उर्दू जबान ने तरक्की दक्कन में पाई। दक्कन में ये जबान माना जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी के साथ गई, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी अपनी फतवाहत का दायरा मुस्तहकीम नहीं करना चाहता था। वो ज्यादा देर तक अपनी हकूमत को दक्कन में कायम नहीं कर पाया। इस वजह से दक्कन में उस दौर में अलाउद्दीन खिलजी के हकूमत के दौर में इस जबान ने अपने देरपा असरात कायम नहीं किए, लेकिन इसके बाद में दिल्ली में मोहम्मद शाह तुगलक ने अपने कदम जमा लिए थे, तो अपना पाया तख्त दिल्ली को बना लेता है। दिल्ली में लगभग 1327 ईस्वी में ये एक फरमान जारी करता है कि यहाँ से हम दक्कन की तरफ चले, तो इसके साथ में वहां दक्कन की तरफ इसके साथ में सूफिया इकराम और फुकरा इकराम और सिपाही, इसके अलावा कुछ अवाम और अपने रिश्तेदारों को साथ लेकर ये दक्कन की तरफ चलता है। दक्कन में पहुंचकर ये देवगिरी में अपना पाये तख्त बना लेता है। ये देवगिरी का नाम दौलताबाद में बदल देता है और दौलताबाद में अपना पाये तख्त मुकीम कर लेता है। लगभग यहाँ ये 20 साल तक अपनी वक्त गुजारता है। 20 साल तक ये जो अपने साथ में जिन सिपाहियों को, फुकरा इकराम को, सूफिया इकराम को लेकर गया था, वो अवाम के साथ उनके अल्फाजों का इंतखाब करते हैं और अपनी जबान वहां की अवाम को देते हैं। इस तरह से वहां पर एक नई जबान पैदा होती है, जिसे हमने दक्कनी जबान से जाना या गुजरी उर्दू, गुजराती उर्दू, गुजरी हिंदवी और हिंदी के नाम से जाना। इसमें सबसे अहम रोल इनके साथ दक्कन पहुंचे सूफियों ने अदा किया। उन्होंने अपनी तबलीग और वाज व पंड का काम अपनी इसी जबान में किया, जिसकी वजह से वहां एक नई जबान की पैदाइश हुई, जिसे हमने दक्कनी, हिंदी, हिंदवी, गुजरी या गुजराती उर्दू के नाम से तस्लीम किया है। इसके बाद में यहां मोहम्मद शाह तुगलक की बगावत हो जाती है, तब यहां एक नई सल्तनत, बहमनी सल्तनत का कयाम होता है। अब हम जानेंगे कि उर्दू शायरी ने बहमनी दौर में किस तरह से तरक्की पाई। यानी कि दक्कन में अब एक खुद मुख्तार सल्तनत बनी, जिसे हमने बहमनी सल्तनत के नाम से जाना। हम के बहमनी दौर में उर्दू शायरी ने किस तरह से तरक्की पाई, कुछ वजूहात की सबब से मोहम्मद शाह तुगलक ने अपना पाये तख्त वापिस दिल्ली मुंतकिल कर लिया। तुगलक के बाद यहाँ पर
अमीरा ने शैदा का निजाम कायम हो गया। अमीरा ने शैदा में एक अमीर जफर खान अलाउद्दीन हसन खान के नाम से अपनी एक खुद मुख्तार सल्तनत कायम की, जिसे बहमनी सल्तनत के नाम से भी जाना जाता है। अमीरा ने शैदा ने जफर खान को अलाउद्दीन हसन खान के नाम से 3 अगस्त 1347 ईस्वी में तख्त नशीन किया और इसने गुलबर्गा का नाम बदलकर एहसानाबाद रख दिया। गुलबर्गा में इसकी सल्तनत लगभग 1347 से 1567 ईस्वी तक कायम रही। उर्दू अदब में तसनीफ व तालीफ का सिलसिला बहमनी दौर से ही शुरू हुआ। बहमनी दौर में कुछ मशहूर शायर व अदीब, जिसमें सबसे पहला नाम ख्वाजा बंदा नवाज गेशो दराज का शामिल किया गया है। ख्वाजा बंदा नवाज गेशो दराज निजामुद्दीन औलिया के खलीफा थे और ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहलवी के सबसे अहम शागिर्द भी थे। ये लगभग 1399 ईस्वी में गुलबर्गा पहुंचे और अपने तबलीग और वाज व पंद के काम में मशरूफ हो गए। इन्होंने यहाँ की अवामी जबान का इंतखाब किया और इसी अवामी जबान में इन्होंने वाज व पंद और तबलीगे इस्लाम का काम किया। इनकी मशहूर तसानीफ में इनके कुछ रिसालों का नाम शुमार किया जाता है, जिनमें हिदायत नामा और रिसाला बारह माशा काफी मशहूर और मकबूल हुए। इनके बाद में अगले शायर दूसरे शायर फखरुद्दीन निजामी, जिन्हें नाकदीन ने निजामी बेदरी के नाम से भी मशहूर किया है। निजामी बेदरी ने उर्दू अदब की सबसे पहली मसनवी लिखी, जिसे हम कदम राव के नाम से जानते हैं। ये बहमनी दौर के सबसे मशहूर शायर गुजरे। इसी सिलसिले में अगले सबसे मशहूर शायर, जो बहमनी दौर के मशहूर शायरों में शुमार किए जाते हैं, वो है सैयद अशरफ बियाबानी। सैयद अशरफ बियाबानी बहमनी दौर के अहम शायरों में शुमार किए जाते हैं। इनकी मशहूर 3 तसानीफ लिखी हुई हैं, जिनमें लाजिमुल मुक्तदी, वाहिद बारी और नौ सरहार काबिले जिक्र हैं। इनके बाद में बहमनी दौर के अगले मशहूर और काबिले जिक्र शायर, जिन्हें हम शाह मीरा जी शमसुल इशा के नाम से जानते हैं। ये अपने तशब्बुह और काबिलियत की बिना पर शमसुल इशा कहलाए। इन्होंने अपनी जबान को खुद हिंदी कहा। इन्होंने तसव्वुफ के मौजू पर कई नज़में लिखी। इसमें खुशनामा, खुश नगजा और शहादतुल हकीकत काबिले जिक्र हैं। दोस्तों, हमने पढ़ा किस तरह से बहमनी दौर में उर्दू शायरी ने तरक्की पाई। इसके बाद हम पढ़ेंगे उर्दू शायरी बीजापुर में किस तरह से तरक्की पाती है, यानी कि आदिल शाही दौर में उर्दू शायरी का आगाज व इर्तका, या आदिल शाही दौर में उर्दू शायरी ने कैसे तरक्की पाई। देखिए, दक्कन की जो खुद मुख्तार सल्तनतें थी, उन सल्तनतों में बीजापुर भी एक अहम अहमियत की हामिल है। बीजापुर में भी शायरों ने और इस सुल्तानों ने बढ़ चढ़कर उर्दू शायरी की तरक्की और उर्दू अदब की तरक्की में भाग लिया। बहुत अहम हिस्सा बीजापुर में भी इन्होंने अपना अहम रोल अदा किया। बीजापुर सल्तनत का कयाम 1490 ईस्वी में यूसुफ आदिल शाह के हाथों से हुआ। इस वजह से ये सल्तनत आदिल शाही सल्तनत के नाम से भी जानी जाती है। आदिल शाही सल्तनत के सुल्तानों ने उर्दू शायरों का बहुत एहतराम किया और उनकी बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर सरपरस्ती की। आदिल शाही सल्तनत में हमें बहुत ही आला पाए के शायर मिलते हैं, जिनकी हम तफसील से आगे चर्चा करने जा रहे हैं। इनमें सबसे मशहूर शायर जो आदिल शाही सल्तनत के बादशाह भी थे, इब्राहिम आदिल शाह, ये
अपने जमाने के बहुत ही मशहूर, इस अहद के बहुत ही मकबूल शायर कहलाए। इन्होंने बहुत सी मसनवियां, गजलें और गीत लिखी। इनका गीतों पर मुबनी एक बहुत बड़ी किताब लिखी हुई है जिसका नाम है नौरस, जो फारसी के मशहूर शायर और अदीब ज़हूरी के दिवाजे से ली गई है, जो आज फारसी अदब में शह नसर के नाम से जानी जाती है। इसके बाद में अगले मशहूर शायरों में बुरहानुद्दीन जानम को शुमार किया जाता है। बुरहानुद्दीन जानम शाह मीरा जी के साहबजादे और जानशीन थे। ये उस दौर के बहुत बड़े सूफियों में शुमार किए जाते थे। इन्होंने अपनी तशानीफ की जबान को कई जगहों पर गुजरी या गुजराती उर्दू भी कहा है। ये अपनी जबान को दखनी भी कहते हैं। इनकी ज्यादातर तशानीफ नज़म की शक्ल में मिलती हैं और सभी तसव्वुफ के मौजू पर मुबनी है। इनकी मशहूर किताबों में सिख हेला, वसीयतुल हादी और इनकी एक मशहूर मसनवी इरशाद नामा, जो 2500 अशआर का मजमुआ है। इसके अलावा इनकी एक और किताब बशारतुल जिक्र और रमूजुल वाशलीन भी बहुत ही मकबूलियत की हामिल है। इनके बाद में अगले मशहूर शायर, जो बीजापुर यानी के आदिल शाही दौर के बहुत मशहूर सूफी शायर भी गुजरे हैं, जिनका नाम है शाह अमीनुद्दीन आली। ये बुरहानुद्दीन जानम के साहबजादे और जानशीन थे। इन्होंने अपनी एक बहुत ही मशहूर तसनीफ, जो शायरी पर मुबनी है, लिखी है, जिसका नाम है मुहब्बनामा। और इसके अलावा एक और इन्होंने मशहूर और मकबूल तसनीफ लिखी है रमूजुस सालिकीन। बुरहानुद्दीन जानम के साहबजादे हमने जाना कौन थे, शाह अमीनुद्दीन आली, जो बहुत ही बीजापुर या आदिल शाही दौर के बहुत ही मशहूर शायर गुजरे हैं और इनको भी मशहूर सूफियों में शुमार किया जाता है। इसके बाद में इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हुए हम जानते हैं कि आदिल शाही दौर के कुछ और मशहूर शायरों के बारे में, जिनमें अब्दुल का नाम काबिले जिक्र है। इन्होंने 1612 ईस्वी में अपनी एक तबील नज़्म का मजमूआ शायरी लिखा, जो इब्राहिम नामा के नाम से जाना जाता है। हमने जाना कि बीजापुर के मशहूर शायर अब्दुल ने 1612 ईस्वी में तबील नज़्म इब्राहिम नामा के नाम से लिखी। इसके बाद में बीजापुर के अगले मशहूर शायरों में रुस्तमी का नाम काबिले जिक्र है। इन्होंने 1649 ईस्वी में खावर नामा के उन्वान से एक तवील नज्म लिखी। ये मसनवी की शक्ल में 24,000 अशआर का एक जखीम मजमुआ है और ये एक फारसी की नज्म का तर्जुमा भी है। इसे अदब में अदबी मौजजा के नाम से जाना जाता है। इनके बाद में इसी सिलसिले में आदिल शाही दौर के अगले शायर, जो आदिल शाह अली आदिल शाह के दरबार के मुल्कु शौरा के नाम से भी जाने जाते हैं, वो मशहूर शायर है नुसरती। नुसरती ऐसे शायर हैं जिन्होंने अपनी तसनीफात में उस दौर की तहजीब को भी शामिल किया। यानी हम ये कह सकते हैं कि नुसरती ने अपनी तसनीफात में अपने अहद की तहजीब का रंग भी शामिल किया। इनकी तीन मशहूर मसनवियां लिखी गई हैं, जिनमें से दो सबसे मशहूर और मकबूल गुजरी हैं। पहली है गुलशन-ए-इश्क और दूसरी है अलीनामा।
गुलशने इश्क इनकी मशहूर मसनवी है जिसमें इश्किया रंग रंगा हुआ है, यानी ये इनकी मसनवी, इनकी मसनवियों की खास बात है कि रजमिया और बजमिया दोनों तरह की मसनवियां लिखते हैं। इनमें इनकी सबसे मशहूर मसनवी की हम चर्चा कर रहे हैं जो इश्किया मसनवी के मसनवी कहलाती है, जो है गुलशने इश्क। ये मसनवी 1657 ईस्वी में लिखी गई और इस मसनवी में मनोहर और मधुमालती का किस्सा, उनकी प्रेम कथा, उनकी मोहब्बत की दास्तान बयान की गई है। इसके अलावा इनकी अगली मसनवी जो सबसे मशहूर मसनवी है, यानी इनकी मसनवियों में सबसे मशहूर मसनवी अलीनामा, जो रजमिया किस्म की मसनवी है। ये मसनवी 1660 ईस्वी में लिखी गई। इसमें अली आदिल शाह शानी के हुकूमत के दौर के शुरुआती 10 बरस का किस्सा बयान किया गया है, या शुरुआती 10 बरस को बयान किया गया है। इस मसनवी की एक और खास बात है, इस मसनवी में मंजर निगारी और वाकयात निगारी का कमाल दिखाई देता है। नुसरती के अलावा कुछ और मशहूर शायर जो बीजापुर दौर के गुजरे हैं, उनमें पहला नाम हम शुमार पहला नाम शुमार किया जाता है सैयद मीरा हाशमी का। सैयद मीरा हाशमी भी आदिल शाही दौर के एक मशहूर शायर गुजरे हैं। इनकी मशहूर तसनीफ यूसुफ जुलेखा के नाम से लिखी गई हुई है जिसमें कमोबेश 12,000 अशआर है। ये मसनवी 1687 ईस्वी में लिखी गई। बीजापुर के मशहूर शायरों में मुल्क खुशनूद को भी शुमार किया जाता है। इन्होंने मसनवी हस्त बरसत लिखी जो काबिले जिक्र है। इसके बाद में उर्दू शायरी ने अपने पैर फैलाने शुरू किए। उर्दू शायरी का दायरा दक्कन में इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि कुछ और खुद मुख्तार सल्तनतों में भी इसने अपना दायरा बढ़ाया। जैसे कि हम जानते हैं कि आदिल शाही दौर के बाद में गोलकुंडा यानी कि कुतुब शाही सल्तनत कायम हुई। उस कुतुब शाही सल्तनत में भी बहुत से मशहूर शायर गुजरे और बहुत ज्यादा उर्दू अदब ने बहुत ज्यादा तरक्की पाई। बहुत उसकी तफसील से हम आगे चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए इसी सिलसिले में हम बीजापुर के बाद आगे जानते हैं कि किस तरह से उर्दू शायरी ने अपनी तरक्की आज कुतुब शाही दौर में पाई। कुतुब शाही दौर में यानी कि गोलकुंडा में भी उर्दू शायरी ने बहुत तरक्की पाई। उर्दू शायरी की तरक्की में गोलकुंडा के जो सुल्तान थे, जो बादशाह थे, जो उस वक्त तख्त नशीन थे, बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कुतुब शाही सल्तनत का कयाम आदिल शाही सल्तनत के लगभग 22 साल बाद 1512 ईस्वी में गोलकुंडा में हुआ। यहां के दरबार यानी के कुतुब शाही सल्तनत के दरबार में बहुत से शायर, अदीब और उलेमा जमा थे, उनका जमावड़ा लगा रहता था। इस वजह से उर्दू शायरी ने कुतुब शाही दौर में अपने बहुत ज्यादा कदम फैलाए या अपना दायरा बहुत ज्यादा बढ़ाया। कुतुब शाही दौर के सबसे मशहूर शायर और अदीब में सबसे पहला नाम मोहम्मद कुली कुतुब शाह का शुमार किया जाता है। मोहम्मद कुली कुतुब शाह 1580 ईस्वी में तख्त नशीन हुए। इनके कलाम की एक खासियत ये थी कि इन हिंदू देव मालाई अनासिर की बहुत गहरी छाप दिखाई देती है। इनकी कलाम में और इनकी तसनीफात में हमें हिंदुओं और हिंदुस्तान के मेलों ठेलों रीति रिवाजों, वहां के समाज और उस दौर की
तहजीब का नुमाया तौर पर रंग दिखाई देता है। इसके अलावा कुली कुतुब शाह ऐसे शायर थे जो तीन जबानों में शेर कहते थे, उर्दू, फारसी और तेलुगी। इनकी शायरी का एक बहुत बड़ा कुलियात शाया हो चुका है जो 1200 सफहात में मुरतब हुआ है। ये उर्दू अदब के पहले साहबे दीवान शायर भी कहलाते हैं। इन्होंने हैदराबाद में चार मीनार का भी निर्माण करवाया। और इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हुए हम जानते हैं कि इनके बाद में कुतुबशाही दौर के एक और मशहूर शायर और कुतुबशाही सल्तनत के सुल्तान और कुली कुतुब शाह के भतीजे, जिनका नाम मोहम्मद कुतुब शाह था। मोहम्मद कुतुब शाह भी अपने चचा की तरह शायरी में बहुत दिलचस्पी रखते थे। इनकी शायरी भी अपने चचा की तरह मकामी रंग में रंगी हुई है। इनकी शायरी में भी हिंदुस्तान की देवमाला, देवमालाई अनासिर की गहरी छाप दिखाई देती है। इसमें इसी सिलसिले में हम आगे चलते हैं तो हमें कुतुबशाही दौर के सबसे बड़े और मकबूल शायर के बारे में जानकारी हासिल होती है, जिन जो आवाम में काफी मशहूर हैं, जिन्हें हम अच्छी तरह से जानते हैं। उनका नाम है मुल्ला वजीरी। ये गोलकुंडा का यानी कि कुतुबशाही दौर का पहला मंकुश सोरा भी कहलाता है। इनकी बहुत मकबूल शेरी तखलीक है जिसे हम कुतुब मिस्त्री के नाम से जानते हैं, जो मसनवी की शक्ल में लिखी गई। कुतुब मिस्त्री को बहुत शोहरत हासिल हुई। कुतुब मिस्त्री 1609 ईस्वी में लिखकर मुकम्मल हुई। इस मसनवी में मोहम्मद कुतुब शाह और मिस्त्री के इश्क की दास्तान बयान की गई है, इसलिए इसका नाम कुतुब मिस्त्री है। ये मसनवी फनी एतबार से बहुत अहमियत की हामिल है। इसके वाकया जंजीर की कड़ी की तरह बहुत मरबूत भी है। इस सिलसिले में अगले शायर के बारे में हम जानते हैं जो कुतुबशाही दौर के मशहूर शायरों में शुमार किए जाते हैं, जिनका नाम है गवाशी। ये कुतुबशाही दौर के मुल्ला वजही के बाद में दूसरे बड़े शायर भी कहलाते हैं। इन्हें दूसरा बड़ा शायर भी कहा जाता है। ये मुल्ला वजही का हम अशर शायर भी है और अब्दुल्ला कुतुब शाह के दरबार का मुल्कु शोरा भी है। इनकी मशहूर तसनीफात में बदीउद जमाल, सैफुल मलूक और तूती नामा बहुत ही काबिले जिक्र है। इनके बाद में इसी सिलसिले में एक और मशहूर शायर इब्ने निशाती का नाम आता है, जो कुतुबशाही दौर के बहुत मशहूर शायर गुजरे हैं। ये भी कुतुबशाही दौर के मशहूर शायरों में शुमार किए जाते हैं। इसने एक फारसी किस्से बसातिनुल अनस को सामने रखकर 1655 ईस्वी में एक मसनवी फूल बन के नाम से लिखी पाई।
जिसने काफी मकबूलियत और शोहरत पाई। बच्चों, इस तरह हमने जाना कि दक्कन में उर्दू शायरी ने अपनी तरक्की किस तरह से पाई और किस तरह दक्कन में उर्दू शायरी ने अपना रंग भरा, यानी कि दक्कन में उर्दू शायरी किस तरह से पनपी।